Hello, once again, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to teach you about quartile division and its coefficient. तो आज हम आपको quartile division और इसके coefficient के बारे में सिखाने वाला हूँ. ये क्या है? Discrete series है, इसके बारे में सिखाने वाला हूँ. इससे पहले मैंने आपको individual series और continuous series के बारे में सिखाया था, वो आपको description में link मिल जाएगा, वहाँ से देख सकिएगा. तो चलिए आइए जानते हैं इस प्रकार का question कैसे solve करेंगे. सो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. कंप्यूट द क्वार्टाइल डिवीजन एंड इट्स कोएफिशिएंट फॉर द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे डेली वेजेस गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन गिवन है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. उसी तरह से नंबर ऑफ पर्सन गिवन है 2, 10, 12, 15, 20, 30, 12, 10, 4. इस प्रकार का डेटा को बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज. सो सॉल्यूशन करेंगे. सॉल्यूशन करते वक्त हम लोग को एक टेबल बनाना होता है. सो एक टेबल बनाएंगे, एक डेली वेजेस का, एक नंबर ऑफ पर्सन का. तो यहाँ पर लिखेंगे डेली वेजेज इन RS, जैसा है उस ये जिस तरह से उस तरह से लिख देंगे. ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे X. उसी तरह से टेबल बना लेंगे नंबर ऑफ वेजेस का. सो नंबर ऑफ डेली वेजेस का हो गया, अब नंबर ऑफ पर्सन बाकी है. सो नंबर ऑफ पर्सन का टेबल बना लेंगे. नंबर ऑफ पर्सन को हम लोग डिनोट करेंगे फ्रीक्वेंसी F से. इसके बाद हम लोग एक और टेबल बनाएंगे जिसको हम लोग क्यूमुलेटिव CUMULATIVE क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, CF. ठीक है, इसको बोलते हैं CF. इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे टेबल को अच्छा दिखने के लिए. ठीक है, इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पे जैसा क्वेश्चन है उस तरह से सार देंगे. डेली वेजेस जिस तरह से है इस तरह से लिख देंगे 3, 5, 7, 9, 11, 9, 11, 13, 15, 17, 19. सो 13, 15, 17, 19 इस तरह से हम लोग टेबल कंप्लीट करेंगे. कंप्लीट करने के बाद इस तरह से कर देंगे. उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन है 2, 10, 12. उसी तरह से लिख देंगे 2, 10, 12, 15, 20, 30, 12, 13, 12, 10, 4, 10, 4. जिस तरह से क्वेश्चन था उस तरह से हम लोग यहाँ पे भर देंगे. आपको एक बात बता दूँ, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का अपना ही मीनिंग है. वो मीनिंग जानने से पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो CF है इसको हम लोग CF बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो इस तरह का टेबल बनाइएगा आप लोग भी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का अर्थ है ये जो दो है, यहाँ पे दो लिखेंगे, 2 + 10, ये 10 और ये 2 प्लस करेंगे, जोड़ देंगे. तो 2 + 10 कितना हो जाएगा 12. यहाँ पे 12 लिख देंगे. ठीक है, उसी तरह से 12 + 12. ठीक है, 12 + 12 कितना होता है 24. उसी तरह से 24 + 15. अगर आपको डाउट हो तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं. 24 + 15 कितना हो जाएगा 39. सो यहाँ पे 39 लिख सकते हैं. 39 + 20 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा. 59 + 13 कितना हो जाएगा 59 + 13 72 हो जाएगा. 72 + 12 कितना हो जाएगा 84 + 10 कितना हो जाएगा 94. देख सकते हैं यहाँ पे. एंड 94 + 4 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा. ठीक है, सो जो हमारा यन है यहाँ पे, जो हमारा यन है वो भी 98 होगा. इसको पूरा जोड़ेंगे तो ये 98 ही होगा. ठीक है, ये जो लास्ट में आता है वही यहाँ पे आता है. तो आपको चेक करना हो सही है या गलत. आप इसको जोड़े 2 + 10 + 12 + 15 + 20 13 + 12 + 10 + 4 98 आएगा, इतना ही आएगा. ठीक है, अगर ये और ये दोनों मिल गया तो समझना आपका राइट है. ठीक है, उसके बाद इतना करने के बाद हम लोग Q1 निकालेंगे. सो Q1 इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला साइज ऑफ n+1 बाई 4th आइटम. इस तरह से होता है. सो फिर से लिखेंगे साइज ऑफ एन जो है हमारा 98 है, तो 98 ले लेंगे, प्लस 1 है 1 ले लेंगे, बाई
फोर आइटम इस तरह से लिख देंगे। इस तरह से लिखने के बाद फिर से साइज ऑफ 98 प्लस 1 कितना हो जाएगा 99 डिवाइडेड 4 आइटम हो जाएगा। उसी तरह से साइज ऑफ 99 डिवाइडेड 4 करेंगे कैलकुलेटर में, 99 डिवाइडेड 4 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 24.75 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 24.75 आइटम आ जाएगा। अब 24.75 हम लोग के सीएफ में है या नहीं पहले चेक करेंगे, ये 24.75 हमारे सीएफ में है या नहीं चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 24.75 हमारे सीएफ में नहीं है, तो नहीं अगर होता तो वही लेते, नहीं है तो उससे ज़्यादा लेंगे, ठीक है, एक स्टेप ज़्यादा लेंगे यहाँ पे, तो एक स्टेप ज़्यादा लेंगे। 24.75 होता तो वही लेते सीएफ में, नहीं होगा तो एक स्टेप ज़्यादा लेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं सीएफ में 24.75 नहीं है तो उसे एक स्टेप ज़्यादा लेंगे, तो एक स्टेप ज़्यादा बोले तो 24.75 से ज़्यादा कौन है, यहाँ पे 39 है, ठीक है। तो 39 के सामने देखेंगे क्या पड़ता है, 9 पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो Q1 है वो 9 हो जाएगा, समझना बारीकी से, ठीक है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा Q1 का साइज ऑफ 24.75 का 9 हो जाएगा Q1, ठीक है। Q1 हम लोग निकालना जान चुके हैं, 24.75 था यहाँ से, इसलिए इसे ज़्यादा हम लोग देखेंगे CF की तरफ। अगर वही होता तो वही लेते, नहीं तो मानो 24.75 ये होता यहाँ पे होता 24.75 तो यही लेते, तो आंसर हमारा 7 होता। तो 24.75 तो यहाँ पे है नहीं तो उसे ज़्यादा लेंगे, तो ज़्यादा कौन सा, एक स्टेप ज़्यादा लेंगे, ना कि 59 लेंगे, 39 नहीं लेंगे, 24 से ज़्यादा 24.75 ज़्यादा 39 है, सो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग Q3 निकालेंगे, ठीक है। Q3 ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा Q1 कितना आया, 9 आ गया। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे Q3 निकालेंगे, सो Q3 का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ ठीक है 3n+1/4 आइटम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो फिर से लिख लेंगे साइज ऑफ 3 का 3, एन हमारा कितना है 98 है, तो 98+1/4 आइटम इस तरह से लिख लेंगे। तो फिर से लिखेंगे साइज ऑफ 3 98+1 कितना हो जाएगा 99/4 हो जाएगा, ठीक है, आइटम। इस तरह से करने के बाद हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, साइज ऑफ 99 × 3 करेंगे तो 99 × 3 करेंगे तो हमारा 297 आ जाएगा, 297/4th आइटम। अब इसको भाग करेंगे, ठीक है, सो भाग करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं साइज ऑफ इसको डिवाइड करेंगे 297/4 जो हमारा आंसर आएगा 74.25 आएगा, 74.25 आइटम। सो जो हमारा Q3 आएगा यहाँ से 74.25 का मतलब है 74.25 अगर CF में है तो वही लेंगे, नहीं तो उसे ज़्यादा लेंगे। चलिए CF की तरफ, यहाँ पे 74.25 है या नहीं चेक करते हैं, CF में 74.25 नहीं है। अगर 74.25 ये होता तो इसके सामने 13 होता तो वही लेते, अगर यहाँ पे नहीं है 74.25 तो उसे ज़्यादा लेंगे, तो ज़्यादा कौन सा है 84 है, तो इसके सामने कौन सा है नंबर एक्स में 15, तो हमारा आंसर जो है Q3 का 15 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं Q3 = 15, इसका आंसर हो गया, ठीक है। सो हम लोग का क्वेश्चन में Q1 Q3 नहीं पूछा है, हम लोग का क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आइए जानते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द क्वार्टाइल डिविएशन एंड इट्स कोफिशियंट। सो क्वार्टाइल डिविएशन का जो फॉर्मूला होता है आपको बता दूँ, यहाँ से हमको पूछा गया है क्वार्टाइल डिविएशन निकाला जाए। सो क्वार्टाइल डिविएशन का, इसको शॉर्ट फॉर्म में QD भी बोला जाता है, इसका फॉर्मूला होता है Q3 - Q1/2।
सो हमारा Q3 कितना आया हुआ है, 15। तो यहाँ पे 15 माइनस Q1 कितना आया हुआ था, चलिए चेक करते हैं। सो जो हमारा Q1 आया था, यहाँ देख सकते हैं 9 आया था, यहाँ पे 9 है, Q1 कितना है हमारा, 9 है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही लिख देंगे 15 माइनस 9 बाई 2। तो इसको 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 बाई 2, 2 3 जा 6। तो हमारा आंसर QD का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। सो यहाँ से हम लोग 3 लिख सकते हैं क्वार्टाइल डिवीजन। देयरफोर क्वार्टाइल डिवीजन इक्वल टू RS 3 हो जाएगा। हम लोग RS क्यों लिखे, आपको बता दूँ, क्वेश्चन में क्या था हमारा, यहाँ पे वेजेज में क्या था, RS था, इसलिए हम लोग RS लिख देंगे वेजेज के अनुसार। ठीक है, नहीं होता यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो हम लोग आंसर में RS नहीं लिखेंगे, ये भी ख्याल करना। अगर आप नहीं लिखते हैं तो गलत नहीं होगा, ये RS नहीं लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, फिर भी ठीक ही होगा। तो अब निकालने के लिए बोला था कोफिशियंट, तो हम लोग निकालेंगे कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1। जो Q3 हमारा 15 था, Q1 जो आया था, यहाँ पे देख सकते हैं Q3 माइनस Q1 कितना, 15 माइनस 9 किए थे, तो यहाँ भी 15 माइनस 9 करेंगे। Q3 प्लस Q1 है तो Q3 हमारा 15 है, प्लस Q1 कितना है, 9 है। इस तरह से करेंगे Q3 माइनस Q1 15 माइनस 9, Q3 15 है, माइनस का माइनस, Q1 9, Q3 15 प्लस Q1 9। सो 15 में से 9 जो जाएगा, 15 माइनस 9 करेंगे तो हमारा 6 आएगा। अब 15 को 9 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24। तो कैलकुलेटर कर लेंगे, 15 प्लस 9 24। सो इसको डिवाइड करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो हमारा आंसर आएगा 1/4 अर्थात 0.25। सो जो हमारा कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है वह हमारा 0.25 है। तो यहाँ पे RS नहीं लिखेंगे फिर भी चला जाएगा, सो RS काट ही दूँ, क्यों आपको कंफ्यूज करना। आप लोग इतना क्वार्टाइल डिवीजन लिख सकेंगे और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इतना लिख सकेंगे। अगर आप समझ गए होंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, और इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन दबाना। और आपको क्वार्टाइल डिवीजन के बारे में और जानना हो, स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में जानना हो, तो मेरे भी चैनल का विजिट करना, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। चलता हूँ फिर, धन्यवाद।